राहुल गांधी जी, स्पीकर सर, आई लाइक टू कंग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेसफुल इलेक्शन फॉर द सेकेंड टाइम दैट यू हैव बीन इलेक्टेड. आई लाइक टू कंग्रेचुलेट यू ऑन बिहाफ ऑफ द इंटायर ऑपोजिशन ऑन बिहाफ ऑफ द इंडिया लैंड. स्पीकर सर, दिस हाउस रिप्रेजेंट्स द वॉइस ऑफ इंडियाज पीपल. And you, Speaker, sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker, sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker, sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I am confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker, sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker, sir, so the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the Constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the Constitution of India. I'd like to once again congratulate you, Speaker, sir, and also all the members of the House who have won their election. Thank you very much. Lok Sabha ke nav nirvachit अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं. जहां प्रधानमंत्री जी और हमारे साथी लीडर ऑपोजिशन ने आपको बधाई दी है, वहीं मैं भी उनसे जुड़ करके आपको बधाई देना चाहता हूं. आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं. आपके पास 5 साल का जहां अनुभव रहा है, वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है. मैं अपनी तरफ से, अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं. जिस पद पर आप जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं. और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे. निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है. आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं. हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई ना जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं.
आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, हर तरीके साथ आपके साथ है। बहुत धन्यवाद।